जैसा कि आपको बताता हूँ, मैं हर बुधवार को आगे बताता हूँ, फोटोकॉपी की दुकान है, वहाँ जाके अपना श्रमिक कार्ड का फोटोकॉपी लें, उसको भर के ई मित्र पे जमा करना है। अगर नहीं जमा होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप लेबर लाइन पे फोन कीजिए या हर बुधवार को मैं आता हूँ, मेरे से पूछ सकते हैं कैसे क्या होगा। मैंने आपको बताया श्रमिक कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, 5 लाख रुपये की सरकार की ओर से आपकी पत्नी को सहायता प्राप्त मिलती है। अगर स्वाभाविक मृत्यु हो जाती, घर पे ऐसी मौत हो जाती है, 2 लाख रुपए तक की सहायता अपनी पत्नी को दी जाती है। अगर पत्नी भी काम पे जाती है, नरेगा में जाती है, उसका भी बीमा करवाओ, उसका भी श्रमिक कार्ड बनाओ, उसके भी कल कल कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टेम्पो वाले ने ठोक दिया, या कहीं वो गिर गई काम के दौरान, पांव स्लिप हो गया, उसके कुछ हो गया है ना, तो आपको उसका 5 लाख रुपए की सहायता पति को मिलती है। और अगर स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख पति की सहायता मिले, पति को सहायता मिलती है। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति 30 क्लास में 9,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है, एक बच्चे को 2 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। ये सारी जो छात्रवृत्ति है, ये आप लोगों के लिए बनी है, आप अधूरों के लिए बने हुए हैं, लेकिन इसका लाभ अपन भी उठा रहे हैं। आज ही जाइए, वहाँ फोटोकॉपी की दुकान है, उसको बोलिए श्रमिक कार्ड का फॉर्म दे दो, पंचायत में जमा कर सकते हो, आप यहाँ मेरे पास ला सकते हो, लेबर लाइन में फ़ोन कर सकते हो, या हर बुधवार को मैं आता हूँ, मेरे को भी बता सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे हर बुधवार को पारस में और यहाँ पे दोनों जगह आता हूँ। आप कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे को उस दिन सोहन जी सरपंच साहब आए थे, उन्होंने भी आपको बोला कि आप श्रमिक कार्ड बनाइए, श्रमिक कार्ड बनाए बिना काम नहीं करना है। आज आप काम करने के लिए कहीं जाते हैं, मकान मालिक कहते हैं तुम तो मजदूरी नहीं हो, तो तुम्हारे पास प्रमाण तो होना चाहिए ना कि भाई मैं मजदूर हूँ, है ना। तो अपने को श्रमिक कार्ड बनाना जरूरी है, ये लेबर लाइन का नंबर अपने पास रखना जरूरी है, कहीं मुसीबत हो जाए, दिल्ली गए, कलकत्ता, अपने जेब में नहीं है ना, फिर कैसे प्रमाण होगा। अगर किसी पुलिस वाले पकड़ लिया या किसी मकान वाले कह दिया तुम मजदूर हो, नहीं लाओ कागज दिखाओ, तो अपने पास तो कागज ही नहीं है ना, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक की डायरी है, सब कुछ है, लेकिन जो हम काम करते हैं वो कागज कहाँ है, वो होना चाहिए। अगर अपन होटल के साथ काम करते तो होटल का जो वेटर कार्ड होना चाहिए, या किसी अलग अलग जो मजदूर काम करते हैं, अपना सबका अलग अलग कार्ड है। आप निर्माण श्रमिक है, अपना कपड़ा काम करते हैं तो कपड़ा का अपना कार्ड होना चाहिए, श्रमिक कार्ड अपने जेब में, तो हम बता सकते हैं देखो साहब मैं कपड़ा काम करता हूँ, ये मेरा कार्ड बना हुआ है, ये सरकारी कार्ड मेरे पास है, ये कार्ड होना जरूरी है। तो आप कार्ड कैसे बनेगा तो भी लेबर लाइन पर फोन कीजिए, अगर आपको पता करना है मेरी मजदूरी कितनी है तो भी लेबर लाइन पर फोन कीजिए, आपकी न्यूनतम मजदूरी कितनी है तो भी आप लेबर लाइन पर फोन कीजिए। कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी बैठे बैठे कुछ नहीं करें, फोन लगा दीजिए, अरे बैठे बैठे क्या करें, चलो करो कुछ काम, है ना, कुछ तो करना चाहिए। कि भाई डायरी कैसे बनेगी, न्यूनतम मजदूरी कितनी है, मजदूरों का अधिकार क्या है, मजदूरों को शिक्षण के काम कहाँ होते हैं, मीटिंग कब होती है ना, लेबर लाइन का ऑफिस कहाँ पे है, कैसे हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्या हमें क्या हिसाब किताब रखना पड़ेगा। हाँ, हमको साल का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, पूरे साल में अपने आज का काम किया, कल का काम किया, परसों का काम किया, मकान मालिक का नाम भी रखना पड़ेगा, पता भी रखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको अब रखनी पड़ेगी। पहले हम नहीं रखते थे, लेकिन अब रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कभी भी सरकार की किसी भी स्कीम को लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एक साल में आपने कहाँ काम किया। अब आप एक दिन राजू भाई के यहाँ किया, एक दिन कालू भाई के यहाँ किया, और आपने कहीं लिखा ही नहीं, आप लिखना पड़ेगा, तारीख भी लिखनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर, हाँ बिल्कुल, तो वो भले मैं बता नहीं, भले एक दिन भी किया, एक दिन भी लिख लो अपनी डायरी में, लिख लो कि आज मैंने पारस काम किया, श्रीमान जी के यहाँ काम किया, आज मैंने सविना में काम किया, श्रीमान जी के यहाँ काम किया, इनका मोबाइल नंबर, इनका नंबर, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, जब अपन विभाग में जाएंगे डायरी बनाने के लिए, पूछेंगे बताइए आपने कहाँ काम किया 100 दिन, तो अपन डायरी खोल के बताएंगे ये देखो आज राम जी के यहाँ क्या, ये काम किया, ये किया, ये किया, अपन उनको पूरा बता सके। अगर आपको डाउट है तो फोन कीजिए, पूछ लीजिए, इतनी सी तो बात है, वो फोन कर लेंगे, 2 जने को फोन कर देंगे, 3 को फोन कर देंगे, साहब आपने रात में काम किया, तो वो कहेंगे हाँ साहब किया, मेरे यहाँ काम किया, हो सकता है वो कहते याद नहीं आ रहा है मैंने कब काम किया, लेकिन काम किया, हो सके जहाँ तक सिग्नेचर भी कराने उसके आगे, नाम के आगे साहब साइन भी कर दो आप, और जब भी मेरा फोन आए, साहब